हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पिन गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर है, और मैथमेटिक्स में हम बात करेंगे आज, तो जो हमारा पिछले लेक्चर्स हो चुके हैं वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे थे, तो एज से रिलेटेड ये अगला लेक्चर हम यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं। तो देरी ना करते हुए हम एज से रिलेटेड क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता देना चाहेंगे, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको जो है इस चैनल पर देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर सी की आयु ए बी सी के औसत आयु का दोगुना है, सी की जो आयु है ए बी सी की औसत आयु का दोगुना है। देखिए, ए बी सी की जो भी औसत आयु हो हमें नहीं पता है, ए बी सी की औसत आयु जो मान लेते हैं वो एक्स है, तीनों की जो औसत आयु है तो यहां हम तीन से डिनोट कर देंगे, ए बी सी तीनों की औसत आयु का है वो एक्स है, और लेकिन सी की जो औसत आयु सी की जो आयु है वो औसत का दो गुना है। सी की जो औसत आयु है, मतलब सी की जो आयु है औसत नहीं है, वो औसत की आयु से दो गुना है, तो औसत आयु जो है एक्स थी उसका जो है वो दो गुना है। उसके बाद में कह रहे हैं ए बी सी की औसत आयु का आधा है, ए की आयु ए बी सी की औसत आयु का आधा है, ए बी सी की औसत आयु तीन की औसत आयु एक्स थी उसका आधा है, तो बी की जो औसत सॉरी बी की जो आयु है यहाँ पे, उसके बाद में कह रहे हैं ये तो सी की औसत आयु दिए थे, अब तो ए की औसत आयु बोल रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ए की आयु जो है ए बी सी की औसत आयु का आधा है, तो औसत आयु ए बी सी की एक्स थी उसका आधा है ए की आयु, उसका आधा है, हाफ है। उसके बाद में कह रहे हैं कि बी की आयु पांच वर्ष है, बी की आयु पांच वर्ष है, बी की जो आयु है वो पांच वर्ष है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं ए बी सी की औसत आयु क्या है, एक्स की वैल्यू हमको पता करना है। यदि हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसको क्या कर सकते हैं, सभी का औसत मान लेते हैं समान होगा, लेकिन समान उम्र नहीं होगी, औसत उम्र समान होगी, समान उम्र नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन ए सी ने जो है दो एक्स ले लिए, सी ने जो है वो दो एक्स ले लिए, ये सी की औसत सी की आयु हो गई, बचा हुआ एक्स है, इसका आधा हिस्सा जो एक्स बाई टू था वो किसने ले लिया, ए ने ले लिया, वो ए ने ले लिया। अब जो बचा हुआ आधा हिस्सा है वो किसका होना चाहिए, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू ये होगा बराबर किसके, पांच के, तो ये पांच के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बी की आयु पांच वर्ष, जो बची वाली होगी एक्स की वही पांच वर्ष, तो एक्स बाई टू बराबर पांच वर्ष, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स बाई टू बराबर पांच वर्ष, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा दस वर्ष, तो एक्स की वैल्यू दस वर्ष, तो औसत आयु निकल आएगी दस वर्ष। ऐसे यदि नहीं करना आपको आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए औसत से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहां से, औसत तीनों का हमको पता है, तो जो औसत होता है जितने लोग होते हैं उसी से डिवाइड कर दिया जाता है, तीन लोग हैं तो तीनों की तीन से डिवाइड किया जाएगा, और औसत उम्र जोड़ी जाएगी। देखिए यहाँ पे 2x है तो हमने 2x लिख लिया, 2x लिख लिया बटे 1 कर लिया, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में आएगा तो इसलिए हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे x बाई टू लिख लिया और प्लस यहाँ पे 5 बाई टू लिख लिया, सॉरी 5 बाई 1 है, इसका कोई हर नहीं है, जिसका कोई हर नहीं होता है, जो औसत होता है वो तीनों की आयु का जोड़ के उसको जितने अंक होते हैं जितने लोग होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तीन है तो तीन से डिवाइड करेंगे, बराबर जो निकलेगा वो एक्स के निकलेगा। अब यही तीन जो है हम उधर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये सब में कॉमन है, जो चीज सब में कॉमन होती है उसको उधर ले जा सकते हैं, लेकिन ये दो उधर नहीं ले जा सकते हैं, इसको हम सब में कॉमन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x, ठीक है, अपान एक, प्लस कर लेते हैं इधर, ये एक्स बाई दो प्लस कर लेते हैं यहाँ पे 5/1 बराबर कर लेते हैं यहाँ पे 3x, ठीक है 3x हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, इसका हर दो है, इसका हर एक है, इसका हर एक है, हर सभी का बराबर होना चाहिए, तो हम सबका हर सेम कर लेते हैं, इसमें दो से गुणा कर देते हैं, इसमें दो से गुणा कर देते हैं, इसमें भी दो से गुणा कर देते हैं, और इसमें भी दो से गुणा कर, जब हर समान हो जाते हैं तो संख्या को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो 2 जो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4x प्लस यहाँ पे आ जाएगा x, ये आ जाएगा 5, 5 2 जो 10 आ जाएगा यहाँ पे,
अपान कर देंगे यहाँ पे 2 बराबर 3x, ठीक, ये इधर जाएगा तो 6 आ जाएगा, 2 अब सब में कॉमन आ गया है, तो इधर से हम इसको साफ कर देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x, इतना आ जाएगा 6x, तो हमने इसको लिख दिया 6x। अब देखिए ये 4x है इधर और ये 1x है, तो ये कितना हो जाएगा 5x। अब ये उधर भेज देंगे तो 5x में से ये 6x है, ये 5x है, इन दोनों का जोड़, तो 6x में से 5x चला जाएगा, तो बचेगा कितना x, फिर 6 में से 5 जाएगा तो 1x बचेगा, x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 10 की। तो इस प्रकार से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं पिता की वर्तमान आयु उसके दो बच्चों की वर्तमान आयु का 3 गुना है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, हम मान लेते हैं उसके दो बच्चे की जो वर्तमान आयु होगी वो कुछ भी होगी, हमें नहीं पता, वो x है, लेकिन उसको हम क्या कह रहे हैं कि पिता की जो वर्तमान आयु है उसके बच्चों के वर्तमान आयु का योग का 3 गुना है। तो पिता की उम्र 3 गुना है और बच्चे की उम्र कितनी है, वो 1 गुना है, मतलब उनका जोड़। इसमें एक मान लेते हैं, एक बच्चे की x है, दूसरे बच्चे की y है, दोनों की उम्र सेम नहीं हो सकती क्योंकि दोनों बच्चे बराबर नहीं पैदा हुए होंगे, तो एक की कम होगी एक की ज्यादा होगी, ये चीज हमें पता नहीं है, लेकिन उनका जो मतलब अनुपात जोड़ते हैं तो जोड़ने पे जो आता है वो 3 गुना आता है, मतलब उसको 3 गुना करेंगे तब पिता की उम्र के बराबर वो पहुंचेंगे, ये चीज हम बता रहे हैं। अब देखिए उसके कह रहे हैं 20 साल बाद पिता की उम्र की आयु योग के बराबर हो जाएगी, जो है 20 साल जब बीत जाएंगे तो उन जो बच्चों की जो आयु है उनको जोड़ेंगे तो पिता की उम्र के बराबर जो है उनकी आयु आ जाएगी, ये चीज यहाँ पे कह रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 हमने इसको लिख लिया, 3 ये लिख लिया 3x, इसमें भी हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये x के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों करना है अभी पता हो जाएगा आपको, x की वैल्यू पता कर लें तो हमें पता हो जाएगा कि उनकी आयु क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पिता की उम्र जो है 20 साल बड़ी होगी, 20 साल बाद पिता की उम्र भी 20 साल बड़ी हो गई, तो जो वर्तमान आयु आ जाएगी 20 अगर जो जोड़ देंगे तो इसमें तो ये वर्तमान आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है पुत्र की भी आयु मतलब 20 साल बड़ी होगी, तो यहाँ पे x दिया गया है, तो x से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 बच्चे थे, कितने बच्चे थे 2 बच्चे थे, यहाँ पे x हमने कर दिया तो यहाँ पे जेड कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे जेड कर लीजिए, तो एक जेड है एक वाई, तो जेड में भी 10-20 साल बड़े होगी और 20 साल इसमें भी बड़ी होगी, तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन है आपको कि एक्स की वैल्यू हम इसके बराबर करेंगे लेकिन इनका जो उम्र का योग है तो 20 साल बाद 20 वर्ष एक बच्चे की बढ़ेगी, दूसरे बच्चे की 20 वर्ष बढ़ेगी, इन सभी को जोड़ दीजिए तो इसके बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये जो है मतलब वर्तमान आयु निकली है और उसमें 20-20 साल दोनों की बच्चों की बढ़ेगी, तो ये तो जोड़ था दोनों बच्चों का, ठीक है, इसमें भी 20 साल जोड़ेगी, इसमें भी 20 साल बढ़ेगी, लेकिन आ जाएगा ये, तो ये जो है यहाँ पे निकल आएगी 20-20 साल, एक 20 साल से एक 20 साल दोनों तरफ इक्वल के साइन तरफ, दोनों तरफ अगर जो चिन्ह समान है, इसका प्लस चिन्ह इसका प्लस चिन्ह, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ये एक्स है इसको उधर भेज देंगे, ये एक्स इधर आ जाएगा, तो ये 3x माइनस एक्स बराबर ये कितना बचा गया, इधर 20 बच जाएगा, ये 2x बराबर जो बच जाएगा वो 20 बच जाएगा, x बराबर जो निकल के आ जाएगा वो 20/2, तो 2 10 जाए 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 निकल के आ गई। अब ये वर्तमान आयु पूछ रहे थे, वर्तमान आयु 10 में 10 से 3 को जोड़ेंगे गुणा कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू 10 आई है, तो 3 × 30, तो 30 वर्ष जो कितनी निकल आएगी वो पिता की आयु निकल आएगी, यही चीज यहाँ पे कह रहे थे, पिता की वर्तमान आयु बता, पिता की आयु बताइए क्या है, 20 वर्ष बाद नहीं पूछे थे, आयु जो वर्तमान में थी वही पूछे थे, तो वो 30 वर्ष निकल आई, इस प्रकार से सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखिए, पिता की आयु उसके 3 बच्चों की उम्र की योग के 4 गुना है, तो हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो है उसके 3 बच्चों की बात करें तो 3 बच्चे की आयु जुड़ेगी, उसके बाद लेकिन 6 साल बाद पिता की जो आयु है पुत्रों की आयु के योग का दोगुना रह जाएगी, जब 6 साल हो जाएंगे तो पुत्रों की आयु का जो है कितना रह जाएगी, दोगुना रह जाएगी, जोड़ेंगे तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं, देखिए इसमें भी हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, x से हमने इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, 6 साल हो जाएंगे तो 6 साल बाद पिता की आयु बढ़ेगी लेकिन
और उसके बाद कह रहे हैं जो बच्चे की आयु है, जो बच्चों की आयु है, बच्चे की आयु x है तो यहाँ पे x, x से हम लिख दिया प्लस तीन बच्चों की आयु यहाँ पे जुड़ेगी, हर बच्चे साल छः छः साल, तीन बच्चे थे तो छः साल हर बच्चे की आयु बढ़ेगी, छः साल एक बच्चे की बढ़ी, छः साल दूसरे बच्चे की बढ़ी, छः साल फिर तीसरे बच्चे की बढ़ी, ठीक है, तो तीन की बढ़ गई। अब ये जो है वो दो गुना हुए, दो गुना इसका करेंगे तब पिता की उम्र के बराबर आएगी, ये चीज कह रहे थे। तो यहाँ पे 2x आ जाएगा प्लस 6 6 12 6 18 और 18 का दो गुना करेंगे यहाँ पे कितना जाएगा 36, इसको जोड़ लीजिए ये 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 का दो गुना करेंगे, ब्रैकेट खोलते हैं तो मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4x प्लस 6, अब हम x को 2x को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4x माइनस यहाँ पे लिख लिया 2x, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, इसके आगे प्लस चिन्ह है, उसके बाद में यहाँ पे 36 है और ये उधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 6 आएगा, तो बोलो इसमें से बटाएंगे तो ये बचेगा 30 और इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 2x और 2 15 कितना होता है 30 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, x की वैल्यू 15। अब क्वेश्चन में क्या पूछे थे, पिता की उम्र कितनी है, पिता की जो वर्तमान उम्र है कितनी है, तो 4 का एक स्थायी पिता की उम्र, x की वैल्यू निकली है 15, तो 4 का गुणा करेंगे 15 से, 15 चौके कितना होता है 60, आंसर कितना आना चाहिए 3 नंबर का जो है सही आंसर होगा, 60 वर्ष जो है इसका सही आंसर बता रहा होगा। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, अगला नेक्स्ट जाएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, मैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।